जय हिंद, नमस्कार। खबरें शुरू करने से पहले आज आप सभी को डी न्यूज परिवार की ओर से विजयदशमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी अपने अपने अंदर की बुराइयों का त्याग करने का संकल्प करें। भगवान श्री राम की हम सभी पर सदैव कृपा बनी रहे, ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हैं। तो चलिए साथियों, जल्दी से जान लेते हैं देश भर से सेना व सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। मध्य प्रदेश के सागर में कल यानी 6 अक्टूबर से अग्निवीरों के लिए सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। भर्ती को लेकर जिला कलेक्टर दीपक आर्या, पुलिस अधीक्षक तरुण नायक और कर्नल संतोष कुमार ने भर्ती की अंतिम तैयारियों का जायजा लिया। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से 73,000 से अधिक युवा इस सेना भर्ती रैली में शामिल होंगे। यूपी के मेरठ सेना भर्ती कार्यालय की ओर से मुजफ्फरनगर में चल रही अग्निवीर भर्ती में दस्तावेजों में हेराफेरी करने के चलते बुलंदशहर जिले के करीब 500 से अधिक युवाओं को भर्ती से बाहर कर दिया गया। दरअसल ओवर एज हुए ये युवा दोबारा दसवीं करके और आधार कार्ड में उम्र कम कराकर भर्ती में शामिल होने पहुंचे थे, जिन्हें एंट्री के समय एडमिट कार्ड बार कोडिंग पॉइंट पर ही पकड़ लिया गया और उन्हें चेतावनी देते हुए सेना भर्ती से बाहर कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के पड्डल मैदान में चल रही सेना भर्ती में बीते दिन करीब 2000 युवाओं ने भर्ती में हिस्सा लिया। इस दौरान कुछ युवाओं के पास पूरे दस्तावेज नहीं होने के चलते उन्हें कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा, लेकिन राहत की बात यह रही कि सेना के अधिकारियों ने इन युवाओं को एक तय समय तक पूरे दस्तावेज जमा करने का समय दिया है। अगर ये युवा उस तय समय तक जल्द से जल्द अपने दस्तावेज जमा नहीं करवाते हैं तो उन्हें फिर भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। भर्ती निदेशक कर्नल अविनाश नाथ ने बताया कि दौड़ पास कर चुके युवाओं का मेडिकल चेकअप शुरू हो गया है, इसलिए सभी युवा इसके लिए तैयार होकर आए। हिमाचल के हमीरपुर में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती करवाने के नाम पर सुजानपुर के एक अध्यापक ने युवक से 2,00,000 रुपए की ठगी कर ली। युवक की शिकायत पर सुजानपुर पुलिस ने आरोपी बलबीर को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। इधर बरेली सेना भर्ती में शामिल हुए 2 युवकों को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल हरियाणा के थाना पलवल के कैलाश नगर निवासी लोकेश और राजस्थान के जिला जोधपुर के थाना शेरगढ़ के सूतरपुरा निवासी हनुमान चौधरी बरेली सेना भर्ती में शामिल हुए थे और दोनों ने दौड़ पास कर ली थी, लेकिन मेडिकल चेकअप के दौरान शक होने पर जब दोनों को फिर से बायोमेट्रिक जांच के लिए भेजा गया तो यहां पर पूरे मामले का खुलासा हो गया। ये दोनों युवक एक दूसरे का स्थान बदलकर भर्ती में शामिल होने का प्रयास कर रहे थे, जिन्हें अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि 3,000 अग्निवीर वायु आगामी दिसंबर माह में वायुसेना में भर्ती हो जाएंगे, जबकि महिला अग्निवीरों की भर्ती अगले वर्ष की जाएगी और शुरुआत में महिलाओं की यह भर्ती 10% रहेगी। इधर हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की एक महिला को सेना की जानकारी भेजने वाले सेना के अकाउंटेंट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश के आगरा जिला के सिकंदरा निवासी इमाम खान 15 दिन पहले रुड़की बीजा में सहायक अकाउंटेंट अफसर ग्रुप डी में आगरा कैंट से अटैच हुआ था। वह मई से 20 जून तक पाकिस्तान में बैठी एक महिला के संपर्क में था। मैसेज से उसकी बातचीत चल रही थी, महिला ने उसे प्रेम जाल में फंसाकर कई गुप्त जानकारियां हासिल कर ली। मामले में बीजीई के पवन गुप्ता ने अकाउंटेंट इमाम खान पर कोतवाली सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज कराया। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में कांस्य पदक विजेता हरियाणा के भिवानी की मुक्केबाज जैस्मीन लंबोरिया ने बीते मंगलवार भारतीय सेना में बतौर हवलदार ज्वाइनिंग कर ली है। भारतीय सेना को ज्वाइनिंग करने वाली जैस्मीन पहली महिला बॉक्सर बनी है। जैस्मीन गुजरात के गांधीनगर में नेशनल गेम्स में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने के लिए गई हुई थी, जहां पर सेना के अधिकारियों ने उनकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया पूरी कराई। साथियों, हमारा यह प्रयास अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हाँ, दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलिए साथियों, फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।